नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता और विपक्ष के असली चेहरे को लोगों ने पहचान लिया कि ये परिवारवादी हैं, ये अपने अपने को बचाने के लिए आए हैं। और नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता जो गारंटी की विश्वसनीयता थी, और उससे भी ज्यादा जो 8% महिला का है, अब समझ लीजिए 8% महिला का है तो ये कितना बड़ा पोल हुआ है ज्यादा महिलाओं का। और महिलाओं का टोटल मोदी के साथ रहना, जुटना, मोदी पर भरोसा करना, ये मोदी देश ने मोदी को स्वीकारा और खटाखट पटापट को खटाखट भेज दिया। जो लोग कहते थे खटाखट फटाफट, सब खटाखट फटाफट सबकी आवाजें अब बंद हो गई। जो कहते थे मैं लिख रहा हूं मोदी नहीं रहेंगे 4 तारीख को, मोदी से नफरत, देश के विकास को नकारना, देश की विश्वसनीयता को नकारना, ये दिखाता है। और मैं समझता हूं कि अब रिजल्ट 4 तारीख को आने वाली है, सारे सर्वे यही है 400 के पार। बिहार में सर्वे में दिखाया जा रहा 40 सीट में 39 सीट जीते थे, 30 से 36 सीट दिखाया जा रहा है। ठीक है, उन्होंने जो दिखाया है हम उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। बिहार में भी हम पिछले नतीजे के करीब रहेंगे। कांग्रेस कह रही है कि मोदी का एग्जिट पोल जनता का नहीं, और कांग्रेस दूसरा 95, वो तो थेथरोलॉजी है कांग्रेस का, कांग्रेस की थेथरोलॉजी है। वो 4 तारीख को भी यही कहेगा, ईवीएम खराब हो गया, ये जनता का वर्डिक्ट नहीं है, ईवीएम का वर्डिक्ट है, ये कांग्रेस का और विपक्ष का ये थेथरोलॉजी है। देश के लोकतंत्र पर, सिस्टम पर उसको भरोसा नहीं। देखिए, संदेश खाली, बंगाल आज बंगाल की सरकार से लोगों को का विश्वास उठ गया है, और यही कारण है कि आज 30-35 सीटें भी आने की उम्मीद है।